सो हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ये सारे प्रोफाइल पिक्चर कैसे बना सकते हैं, आप अपने प्रोफाइल में इस तरीके का कैसे बॉर्डर ऐड कर सकते हैं और ये आपकी प्रोफाइल के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। तो आपके फॉलोअर्स या फिर जो लोग आपको फॉलो भी नहीं करते बट वो आपकी प्रोफाइल को जरूर विजिट करेंगे, उनको ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप इसमें ब्लू टिक भी कैसे ले सकते हैं और इससे अगर किसी के पास भी आपका मैसेज जाता है इस तरीके से तो डेफिनेटली चांसेस है कि आपकी प्रोफाइल जरूर विजिट करेगा और आपके प्रोफाइल विजिट बढ़ेंगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। और इसको बनाने के लिए मैं कोई भी एप्लीकेशन का यूज नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, प्रोफाइल पिक्चर पर बॉर्डर ऐड करने के लिए जो सबसे पहली वेबसाइट है उसका नाम है profilepicturemaker.com। तो इस पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड फोटो का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पे अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। देन मैं यहाँ से अपनी फोटो को डन करता हूँ। फोटो पे डन करने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पर मेरी फोटो ऐड हो चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ से प्रोफाइल अपनी सेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से मान लीजिए मेरी प्रोफाइल सेट हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ से आप इसकी थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ एक तरीके से। तो इस तरीके से आप इस पे थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कलर्स का, कलर ग्रेड का, सॉलिड कलर आपको ग्रेडियंट में चाहिए या फिर काफ़ी सारे इसमें कस्टमाइजेशन है तो आप कर सकते हैं। ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है तो वो भी कर सकते हैं, ऑफसेट मतलब आपको बॉर्डर को कम ज़्यादा करना है तो वो कर सकते हैं। तो पहली वेबसाइट तो ये हो गई, इसके थ्रू भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट पे। सो गाइस, जो अपनी नेक्स्ट वेबसाइट है उसका नाम है यूनिलिंक। तो इसमें आपको काफी सारे बॉर्डर्स देखने को मिल जाते हैं, डॉटेड बॉर्डर्स हो गए या फिर डबल सर्कल्स वाले बॉर्डर्स हो गए और इसमें आपको काफी सारी डिजाइन मिल जाती है। तो इस तरीके से आप इसमें बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ में वेरीफाइड टिक का भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पे जाना है और यहाँ पर आपकी प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में चलना है। देन मैं अपनी फोटो को अपलोड कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मेरी फोटो अपलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर आपको वेरीफाई टिक का भी ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वेरीफाई बेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल में ये वेरीफाई बेज आ जाएगा, देख लीजिए ब्लू टिक भी आप ले सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। और साथ में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इस तरीके से बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो इस तरीके से भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं। और मैंने जो अपनी प्रोफाइल पे लगा रखा है इंस्टाग्राम पे, आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ पर यूज़र नेम शो हो रहा होगा। तो सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इसको लगा देना है आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर पे। तो दोस्तों, दोनों वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना कि आपको किसका यूज़ करना है। फर्स्ट वेबसाइट में आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है बट सेकंड वेबसाइट में आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, उसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट मिलेगी, आपको डिजाइन सेलेक्टेड मिलेंगे बट उसमें आपको वेरीफाई बेज का ऑप्शन मिल जाता है। फर्स्ट वेबसाइट में आपको वेरीफाई बेज का ऑप्शन नहीं मिलता, उसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इसमें आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, आपको इसमें डिजाइन काफी ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अच्छी, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कि आपको, अरे यार ये क्या है, चूज, अरे रुक जा तू, रुक जा।